जय आरसीएम, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत मजे में होंगे और लॉकडाउन में बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं काम की बात लीडर्स के साथ के अगले एपिसोड में। जैसा कि पिछले एपिसोड रहे, आपने जिस तरह का फीडबैक दिया, हम सभी उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसा ही अपना प्यार देते रहेंगे। और आज एक हम खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस तरह आरसीएम तेजी से काम कर रहा है इस लॉकडाउन में, जिस तरह टाइगर टीम आगे तेजी से काम कर रही है, तो आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि लास्ट वीक में किस तरह काम करें जिससे हमारे रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएं। हर लीडर चाहता है मेरा चेक बड़े से बड़ा हो। लास्ट के वीक में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं और बहुत सारी चीजें लास्ट वीक में हमें क्या करनी होती हैं, तो आज हम जानेंगे। हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील शर्मा जी हमारे बीच में हैं। सर, मैं स्वागत करता हूं आपका, और कैसे हैं आप? जय आरसीएम सभी को। और मैं बहुत अच्छा हूं सर, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वापस से चैनल पे आके, और बहुत फायदा होने वाला है टीम को जो भी हमारी बातचीत रहेंगी। ओ जी जी सर, आज हम विषय विशेष पर चर्चा करने वाले हैं। सर, हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी 1 से 10 तक क्या काम करें जिससे टीम की एक अच्छी शुरुआत हो जाए, और मैच जीतने के लिए सर मैच को फिनिशिंग भी उतनी अच्छी चाहिए। तो लास्ट वीक में हम कोई भी लीडर क्या सावधानी बरते जिससे हम अपने बेस्ट रिजल्ट दे पाए, टीम को जिता पाए? सर, आपने मैच की बात की है तो मैं मैच से शुरू करूंगा कि मैच में आपने देखा होगा 50 ओवर का मैच रहता है, तो उसके शुरुआती जो ओवर हैं 10 ओवर वो बहुत मायने रखते हैं कि आपने कितना स्कोर किया जी। और लास्ट के 10 ओवर बहुत मायने रखते हैं। बीच में आप स्लो रहे फास्ट रहे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में अगर आपके पास विकेट बची हुई है और तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। लास्ट में आपने देखा होगा ओवर के साथ साथ एक एक रन एक एक बॉल वहाँ लगभग काउंट सी होती है कि भाई इतना रह गया इतने में बनाना है। तो आरसीएम बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं तो 1 से 10 वो डायमंड क्लब का दौर रहता है जी। तो उसमें हम डायमंड क्लब की बात करते हैं, और 11 से 20 हमारा होम मीटिंग का सिलसिला रहता है कि हमें होम मीटिंग ज्यादा ज्यादा करनी है, और 20 से 21 हमें आइडिया लग चुका होता है कि हमारा कितना बिजनेस आ चुका है, क्या हमारे टारगेट थे, कहाँ तक हम पहुँच पाए। तो उनको रिव्यू करने का और उन पे फोकस करने का जो समय होता है वो लास्ट का लास्ट वीक ही होता है। तो इसको करने के लिए पहला पॉइंट तो यही है कि टारगेट को रिव्यू कीजिए। जो आपने महीने के शुरुआत में टारगेट बनाया था कि मेरा 3.5 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, या मैं ईगल हो जाऊंगा, तो आपको यही देखना है कि अपना बिजनेस निकालिए, पूरा लेग स्ट्रक्चर अपना निकालिए, नेट पे जाइए और वहां से पूरा अपना बिजनेस निकालना है। कितना होना था, कितना हो चुका है और कितना अभी होना बाकी है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, तभी आप लीडर से बात कर पाएंगे। और सर, नेक्स्ट पॉइंट है अपना डेप्थ पॉइंट चेक कीजिए। जहां आपने टारगेट बनाया था कि यहाँ हमारा बिगनर अचीवर बनेगा, उसके बाद आपने लर्नर, ओपनर और आगे के आपने टारगेट्स किए थे, तो सबसे पहले अपना डेप्थ पॉइंट चेक कीजिए, क्योंकि वो जो ईगल बनना था वो 20 दिन के पहले पहले बन चुका होना चाहिए था, तभी आप आगे टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और भी है, डेली वो जो मेन लीडर हैं जिनके टारगेट्स पूरे होने हैं, जिनकी पिने आनी है, जिनकी अचीवमेंट आनी है, आपकी डेली उनसे बात होनी चाहिए। डेली आप उनसे सुबह मॉर्निंग में, मतलब लास्ट वीक में उनसे जरूर बात करें, उनके टारगेट्स को लेकर बात करें। और कोई ऐसी चीज है जो वो नहीं देख पा रहे और आपको लग रहा है कि यहाँ फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है, तो आप उनको बता सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपने शुरू में एक टारगेट लिया था कि अपनी दुकान खुलवानी है, तो आपको वो रीचेक करना है कि कितनी दुकानें खुल चुकी हैं और कितनी खुलनी बाकी हैं। तो जो बाकी हैं थोड़ा सा उनसे आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, और लीडर्स को कॉन्फ्रेंस में लेके भी आप बात कर सकते हैं कि सर ये जो अपनी दुकान का टारगेट था वो आप कहाँ तक पहुंच पाए। और नेक्स्ट पॉइंट है लीडर, जो रॉयल्टी अचीवर है उसका मान लो 80,000 का बिजनेस हो गया है, 70 का हो गया है, या फिर 90,000 का हो गया है, तो उसको थोड़ा अलर्ट कीजिए कि सर आप इसको मतलब छोड़िएगा मत, आप इसको लगातार कीजिएगा, आपकी रॉयल्टी आ सकती है, या फिर किसी रॉयल्टी अचीवर की मेंटेन होनी है रॉयल्टी,
उसको भी आप बता सकते हैं, उसकी टीम में भी आप कॉलिंग कर सकते हैं, टारगेट्स को लेके बात कर सकते हैं। और सर अगला पॉइंट इसी में है, टीम को आपको सिखाना है कि टारगेट को अगले महीने के ऊपर ना टालें ना छोड़ें। कई बार आपने देखा होगा लोग टारगेट लेते हैं, टारगेट के नजदीक भी होते हैं, तो पता नहीं उन्हें कौन सी ऐसी बात उनके जहन में चलती है कि सर कोई नहीं अगले महीने देखेंगे, सर अब हो नहीं पाएगा। मतलब वो दो दिन पहले तीन दिन पहले ही क्विट कर जाते हैं, मतलब फाइट नहीं करते। तो मेरा मानना यही है कि लास्ट डेट लास्ट मिनट तक आपका फोकस आपके टारगेट पे होना चाहिए। आपने भी पिन अचीव की है सर, मैंने भी अचीव की है, और कई बार हमारी पिन बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ऐसा था कि आएगी नहीं आएगी, जैसे मैच में होता है ना, जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते जी। भाई एक बॉल है उसमें छक्का भी लग सकता है, चौका आउट भी हो सकते हैं, पर लास्ट मोमेंट तक फाइट करनी चाहिए, ये टीम को सीखना चाहिए। पहले ही हार ना माने, पहले ही लोग 10 दिन पहले छोड़ देते हैं सर अब तो रॉयल्टी होगी नहीं, तो ये गलत प्रथा है। अगर क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप अगर इसको ऐसे छोड़ोगे तो आपकी पूरे महीने की जो है वो मेहनत बेकार चली जाती है। उसको लास्ट डेट तक रखना चाहिए। और लास्ट डेट पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि 12 बजे तक आप क्लोजिंग जब तक हो रही है ना आपको जागना चाहिए सर। एक रात आपसे जागने के लिए कहा जाता है कि आप 12 बजे तक जागिए। कई बार क्या होता है हमारा टारगेट पूरा हो गया, बस सो जाओ, अब जो होगा अपने आप करते रहेंगे। सर ये रवैया टीम को एक मैसेज देता है कि सर हमारी केयर नहीं है इनको। तो लास्ट डेट में 12 बजे तक आप जागिए, लोगों के टारगेट पूरे कराइए, लोगों में इन्वॉल्व रहिए, बातचीत करते रहिए। तो जब किसी की छोटी छोटी पिन भी आती है और उसमें आपका किसी ने आपने कॉल कर दी, आपने थोड़ा पीयूसी वाले से को बात कर दी, आपने वो कर दिया, तो उसे लगता है कि मेरा सीनियर मेरे साथ है और मुझे उसका बेनिफिट हुआ है। और सर लगभग आधा जो बिजनेस है वो 20 तारीख तक हो जाता है। लास्ट के जो 10 दिन है वो इतने इंपॉर्टेंट है हर पिन के लिए, हर अचीवमेंट के लिए, हर जो चेक आएगा पेमेंट आएगी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो सर लास्ट ओवर्स में हमें बहुत ध्यान रखना है और हमारा फोकस होना चाहिए, मतलब पूरा फोकस हमारा उन दिनों पे बिजनेस पे आ जाना चाहिए। जी सर, जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जैसे कई बार मैच आता है ना, कि कुछ मैच बिल्कुल कांटे के होते हैं और सुपर ओवर तक चले जाते हैं सर, तो मैंने अपने पास्ट के अनुभव से ये सीखा है कि सुपर ओवर तक जब तक पूरा मैच फाइनल नहीं हो जाए हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट के 2 घंटे में, लास्ट की 2 बॉलों में मैच बदल जाता है। उसी तरीके से लास्ट के 2 घंटे हमारी टीम के लिए, हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। और जो लीडर सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं कई बार लास्ट के मोमेंट्स में, के वो अपना फोन रख के सो जाते हैं या फिर वो इंतजार करते हैं कि वो अपने आप कर लेंगे। और अगर हम लास्ट में पॉइंट टू पॉइंट, अगर नेक टू नेक अगर हम लगे रहें, लास्ट मोमेंट तक हार ना माने, तो बिल्कुल सर हर टारगेट संभव है। तो बहुत बढ़िया सर, क्लोजिंग में हमें इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। तो सर लास्ट के जो वीक होता है, सप्ताह होता है, उसमें पीयूसी का क्या रोल रहता है सर, हमारे जो शॉपिंग पॉइंट होते हैं आरसीएम के? मेरा मानना ऐसा है सर, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, तो पीयूसी तो मेन काम है सर। पीयूसी के बगैर तो ना ज्वाइनिंग हो सकती है ना कोई पिन आ सकती है, स्टॉक का खेल है जी। तो पीयूसी जितने भी पीयूसी ओनर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा सर, लास्ट के जो 5-7 दिन है आपके पास पूरा स्टॉक होना चाहिए। जैसे शुरू में डायमंड क्लब के लिए आपके पास पूरा स्टॉक होना चाहिए, ऐसी लास्ट के टाइम भी आपका पीयूसी भरा होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है पीयूसी वाले कई बार लास्ट के 2 दिन में ऑर्डर लगाते हैं सर, आपने देखा होगा जी जी, कि सर बस ऑर्डर लगाया है और आते ही फिर माल तो सर बाद में आ जाएगा, मैं ऑनलाइन बिलिंग कर देता हूँ और ये है वो है, तो इस तरह का कुछ रहता है। पर मैं कह रहा हूँ अगर बढ़िया क्लोजिंग करनी है, बढ़िया सेल करनी है, तो हर पिकअप सेंटर को लास्ट के 5-7 दिन तो उसका पिकअप सेंटर फुल होना चाहिए, चाहे उसे दाएं बाएं से भी कुछ अरेंज करना पड़े तो स्टॉक पूरा रखे। क्योंकि लास्ट डेट पे कुछ लोग डायरेक्ट आते हैं जिनके टारगेट्स रहते हैं, तो वो फिर अपना मनचाहा प्रोडक्ट ले सकते हैं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सर कुछ भी काटना पड़ता है, तो उन प्रोडक्ट्स का कई बार उतना बेनिफिट नहीं हो पाता सर। जी बहुत बढ़िया सर, पीयूसी का हमारा बहुत रोल है सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर। अच्छा सर, अब तक हमने बात की लास्ट सप्ताह की,
और अब हम सबसे इंपोर्टेंट दिन की बात करते हैं कि लास्ट वाले दिन एक लीडर का क्या शेड्यूल रहना चाहिए जिससे वो अपने टीम को जिता पाए। लास्ट वाला दिन सर लास्ट ओवर की तरह है। उस दिन आप जल्दी उठ जाएं, पूरा बिजनेस निकाल लें, पूरा आपको एक एक बिजनेस का पॉइंट पता होना चाहिए, किसका ईगल होना है, रनर होना है, लर्नर होना है, पूरा आपको पूरा मतलब टिप्स पे आपके पास होना चाहिए, सबके आईडी आपके पास होनी चाहिए, कभी नंबर डालो उसका बिजनेस आपके मतलब टिप्स पे रहना चाहिए। और सुबह से ही मेन लीडरों को आप कॉलिंग कर दीजिए, सुबह के ही मान लो आप 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए और बस फटाफट रेडी होइए, और 8 बजे से पहले पहले लोगों को ये पता चल जाएगा आज हमें क्या काम करना है, कितने की ज्वाइनिंग डालनी है, कितने का क्या होने वाला है। पीयूसी वालों को थोड़ा सा अलर्ट कर दीजिए, सर आज मेरी लीडरों से बात हो गई है, उनके ये टारगेट है जी, तो सर आप मतलब ध्यान दीजिए आप। और उस दिन क्या है कि आपको कोई मीटिंग नहीं रखनी, बहुत सारे लोग लास्ट डेट को मीटिंग रख लेते हैं सर, कि सर कहाँ हो, सर मैं मीटिंग में हूँ, मेरा फोन साइलेंट पे है, स्विच ऑफ है, मतलब वो एक ऐसा दिन है कि जिस दिन आपको मीटिंग नहीं करनी, टीम के साथ रहना है, टीम से बातचीत करती रहनी है जी, ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर पाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत लोगों को काम आएगी सर बात। तो लास्ट वाले दिन हमें मीटिंग ना करके हमें सिस्टमेटिक काम करना है, शेड्यूल को मैनेज करना है। अच्छा सर, हमें एक लीडर होने के नाते क्लोजिंग कहां पर बैठ के करनी चाहिए जिससे ज्यादा रिजल्ट आते हैं? क्लोजिंग का सर बैठने की अगर हम बात करें तो वो ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा, आपका बिजनेस कितना बड़ा है जी, क्योंकि तो जब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है तो आप किसी एक स्टेशन पे जाके नहीं कर सकते कि आप क्लोजिंग नहीं कर सकते जी, पर इनिशियल स्टेज पे रॉयल्टी अचीवर तक या रॉयल्टी के नीचे के जितने भी लेवल्स हैं वो अगर पीयूसी पे जाके और लोगों को कॉल कर करके और उनके टारगेट्स को लेके अगर बात करेंगे, जो शायद आपने भी किया है, मैंने भी किया है कि हम लोग पीयूसी पे बैठ के लोगों को कॉल करते थे जी, तो जितना संभव हो सके घर में बैठने की बजाय अगर आप पीयूसी पे जाके कॉल कर लेंगे, और जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो फिर आपको घर पे रह के कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक ग्रुप में मीटिंग मतलब आप इन्वॉल्व हो गए तो आप बाकियों से बात नहीं कर पाओगे, बाकियों को नहीं देख पाओगे, तो ऐसा मेरा अनुभव रहा है सर जी। तो सर आपने बताया एक रॉयल्टी अचीवर को पीयूसी पे बैठकर और उससे नीचे के जो लेवल है, जो भी लेवल है, उन्हें शॉपिंग पॉइंट पर बैठकर टीम की क्लोजिंग करवानी चाहिए। जो लोग या जो लीडर्स ऐसा करते हैं उनका बिजनेस हमेशा विजयी रहता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर जो हमारे टारगेट होते हैं सर, कई बार क्या होता है कि हम पूरी प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी टारगेट रह जाता है कई बार, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट उस समय कैसे रहना चाहिए सर? टारगेट जो रह जाता है उसका एक बड़ा रीजन है कि आपने 1 से 10 तारीख में वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, तो लास्ट में वो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आपको खींचना पड़ता है, और वो खींचने में फिर शायद वहां तक नहीं पहुंच पाता और फिर आदमी हौसला हार जाता है कि यार ऐसा है वैसा है। उस समय भी एज ए लीडर आपको आपका नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप टीम के टारगेट्स पे फिर भी फोकस कीजिए, उनको लगातार हौसला दीजिए, उनके साथ लगातार बात कीजिए, टेंशन मत लो मैं आपके साथ हूँ। तो सर जब आप उनके टारगेट को पूरा कराओगे तो जो आपका मिस भी हो गया आपको महसूस ही नहीं होगा, सर आपकी टीम जीत गई तो इसका मतलब आपको ऑटोमेटिक खुशी होगी कि मेरी टीम जीत गई, कोई इशू नहीं। बहुत बढ़िया। अब हम सर निष्कर्ष पे आते हैं पूरी मीटिंग के, क्लोजिंग पे हमने आज बहुत अच्छी बात की सर। आपने बताया कि हमें पिछले महीने जिनका 5000 बिजनेस क्लोज हुआ उनका वहां तक बिजनेस निकालना है और उस बिजनेस को टीम को टच करवाना है। दूसरा आपने बताया कि सर कौन नए बिगनर लर्नर ओपनर बन सकते हैं उनका हमें पता होना चाहिए और उनके साथ हम ज्यादा मेहनत करके उस टारगेट को अचीव करवाए। और तीसरा आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि लास्ट वाले दिन को अगर हम सबसे अच्छा मैनेज कर पाए तो लास्ट वाले दिन में भी मैच जीता जा सकता है, ये आपने इस पे विशेष गौर दिया और ये पॉइंट्स हमें बहुत काम आएंगे सर। तो सर अभी एक पॉइंट और है लीग से हटके कि अभी आरसीएम का पूरा वेबसाइट और सॉफ्टवेयर सैप पे आ गया है तो उससे हमें क्या लाभ हो सकता है सर? एक्चुअली क्या है, अब जो सर्वर है पहले सर्वर में हैंग होने की शिकायत थी लास्ट डेट पे, कई बार जॉइनिंग का और उस तरह का इशू रहता था जी, बिलिंग नहीं हो पाती थी जी, तो पहले भी उसको अपडेट किया गया था, पर अब कहानी क्या है कि कंपनी ने अगले 100 साल की जो तैयारी की है जी, तो अब वो जो सर्वर है वो बड़े साइज का है और बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो
हमें उससे बेनिफिट होने वाला है, उस पे सारे प्रोडक्ट्स के वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे और उसको और बेहतर किया जा रहा है, वो तो हमारे सब बेनिफिट के लिए हो रहा है। कई लोगों को चैलेंज आ रहा है कि सर अभी काम नहीं हो रहा, अभी ये हो रहा है, आज भी एक मैसेज आया हुआ है कि सर 2 बजे से 6 बजे तक वो सर्वर डाउन रहेगा, तो वो सब हो रहा है सर, हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। और ये जो कोरोना वाला टाइम जो है, अगर हम इसको कहें तो शायद ये इसीलिए आया था कि हमारा सर्वर बड़ा हो जाए, तो वो हमारी बेहतरी के लिए है सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अभी एक मुझे गुड न्यूज मिली है सर, सैप सॉफ्टवेयर को लेके और जो अपडेटिंग को लेके। कई बार लोग हमसे पूछते थे सर के कोई पार्टी अगर सामान लेना चाहे तो हम क्या करें, जैसे कोई मेडिकल स्टोर वाला है या कोई फर्म का मालिक है, वो बोले कि मैं जुड़ना तो नहीं चाहता पर अपने फर्म के नाम पर मैं सामान लेना चाहता हूँ, मुझे पक्का बिल दे दो। तो उसको लेके एक अपडेट आई है सर परसों ही, मेरी कल ही बात हुई टीम से, तो लीडर ने बताया कि सर हम उस व्यक्ति को अपना जीएसटी नंबर और अपना पैन नंबर देना है, जैसे पहले रजिस्टर्ड बायर आता था बिलिंग करते समय वो ऑप्शन आ गया है, मेरी फर्म का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके नाम से बिल कट जाएगा सर जीएसटी और पैन नंबर देके, और आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा सर। तो अब हम बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, और अब बिल या जो भी हमारे ज्वाइनिंग के केवाईसी है सर 10-10 मिनट में ओके हो रहे हैं सर, ये गुड न्यूज मुझे मिली है सर टीम से, तो टीम बहुत एक्साइटेड है इसके लेकर। फास्ट हो गया सर, पहले से बहुत सारी चीजें फास्ट, एडवांस तो एडवांस होता है ना, हम अपडेट करते रहते हैं, तो इतना बड़ा सर्वर है उसको अपडेट करने में अगर समय भी लग रहा है तो वो सर हमारी बेहतरी के लिए। जी सर, मान लो 20 साल का उस पे डेटा है, उसको अगर आप ट्रांसफर करो तो समय लगता है। जी सर, तो धैर्य बनाए रखें सर, और हमारे पास तो ऐसी टीम है जो लास्ट के 5 दिन भी अगर मिल गए तो हिसाब बराबर कर देगी, क्योंकि हमारे पास तो धुरंधर है सर, नाम ही टाइगर टीम इसका रखा हुआ है, तो बड़ा होने वाला है। जी सर, जी सर, तो हम ऐसी समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे लीडर्स के साथ काम की बात। तो थैंक यू सो मच सर आप आए, और अपने व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा सर, कमेंट बॉक्स में लिखिए आगे हम किस विषय पर चर्चा करें, और काम की बात पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट हम लीडर्स को लाभ दे पाए। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि एक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लाभ दे पाए। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू वेरी मच, और व्यूअर्स आप सभी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम आगे किस पॉइंट पे वीडियो बना सकते हैं।